नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बड़ी खबर आ रही है सीएम सिटी करनाल से। समाचार एक्सप्रेस ने कुछ दिन पहले असंध क्षेत्र में पनप रही अवैध कॉलोनियों को लेकर एक खबर दिखाई थी। इसके बाद भी प्रशासन हरकत में नहीं आया। जिला योजनाकार विभाग जीटी रोड के इर्द गिर्द बने अवैध ढाबों को लेकर पीला पंजा तो जरूर चला रहा है, जिसे लेकर विभाग के एक अधिकारी को धमकी भी आई थी, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई थी। लेकिन लगता है विभाग ढाबों की कार्यवाही में ही उलझ गया है, जबकि जिला करनाल में अवैध कॉलोनियों के पनपने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों जब समाचार एक्सप्रेस की टीम जिला योजनाकार विभाग के कार्यालय में मुख्य अधिकारी से बातचीत करने पहुंची थी, तो उन्होंने खुद समाचार एक्सप्रेस से ये बात कही थी कि करीब 50 अवैध कॉलोनियां जिले में सक्रिय हैं। उन्होंने बकायदा नोटिस तक थमाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि उन पर कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना शायद विभाग के हाथों में नहीं है, क्योंकि शहरों और कस्बों की बात छोड़िए, अब तो गांवों में ही अवैध कॉलोनियां पनपने लगी हैं। अब आप ही बताइए, जब छोटे छोटे गांवों में अवैध कॉलोनियां पनपेगी तो भला उन लोगों का क्या होगा जब प्रशासन की टीमें उन्हें तोड़ने पहुंचेगी, क्योंकि जब अवैध कॉलोनियां पनपने लग जाती हैं तब तो विभाग सोता रहता है, लेकिन जब लोग वहां मकान और दुकानें बनाने लगते हैं तो प्रशासन उन्हें तोड़ने पहुंच जाता है। मगर जब प्रशासन सक्रिय हो तो फिर ऐसी नौबत आए क्यों? आज हम आपको करनाल से मेरठ रोड जाने वाली सड़क पर लेकर जा रहे हैं। करनाल से कुछ किलोमीटर दूर गांव नगला फार्म मौजूद है। मेरठ रोड जाने वाली सड़क पर बसें इस गांव में अब रंगत आने लगी है, क्योंकि यह रोड हरियाणा को यूपी से मिलता है, तो जाहिर तौर पर इस सड़क पर दिन रात ट्रैफिक भी चलता है। मगर हैरान की बात है कि इस गांव में भी बिना मंजूरी के कई कॉलोनियां काट दी गई हैं। दर्जनों के हिसाब से मकान बन गए हैं और कई दर्जन दुकानें स्थापित हो गई हैं। इस जीटी रोड के ठीक ऊपर थोड़ा सा हटकर कई अवैध कॉलोनियां भी विकसित हो रही है, जिस पर या तो विभाग की नजर नहीं पड़ी या फिर विभाग के अधिकारी चुप बैठ गए हैं। अब चुप क्यों बैठ गए हैं, इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। लेकिन पहले आपको ले चलते हैं गांव नगला फार्म, जहां सरकार के फरमान को दरकिनार कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही है। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम करनाल से कुछ दूर नगला फार्म यानी कि नगला गांव में है। आपको हम जगह दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये हमारे आने का मकसद क्या है। अक्सर पिछले कई दिनों से आपने खबरें सुन रखी होगी कि डीटीपी जो विभाग है, जिला योजनाकार विभाग, लगातार कई ढाबों पर कार्रवाई कर रहा है तोड़फोड़ की, क्योंकि विभाग को लगता है कि अवैध रूप से वो ढाबे बनाए गए हैं। लेकिन हम करनाल के आसपास जो गाँव हैं वहाँ भी इस बात का पता लगाने के लिए जुटे हुए हैं कि कोई अवैध कॉलोनियाँ तो यहाँ विकसित नहीं हो रही हैं, जिस पर ऐसा भी हो कि विभाग को पता ही ना हो। अब हम जिस स्थान पर खड़े हैं, मैं कैमरामैन सनी चौधरी को कहूँगा कि अमृतपुर कला की ओर जा रही है और उस रोड पे ये स्कूल बसा हुआ है और स्कूल के साथ आप देखिए ये ज़मीन, आप ध्यान से देख लीजिए कि इस ज़मीन को यानी कि एक एकड़ से बहुत ज़्यादा अधिक ज़मीन है। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको लेवल ज़मीन का देखने में पता चलेगा कि दो साइड यानी कि दाएँ और बाएँ बाजू की तरफ जो है ज़मीन की नीचाई की तरफ है और बीच में अगर आप ध्यान से इसको आप सड़क को देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे काफ़ी मिट्टी ऊपर डालकर इसे सड़क को एक सड़क की तरह विकसित किया गया, यानी कि ऊपर बनाया गया। अभी फ़िलहाल ये कच्ची है, आप देख सकते हैं इस पर, यानी कि इस बार जो है अगर किसान ने अपनी फसल नहीं लगाई, इसका मकसद ये साफ़ है कि वो यहाँ कोई अवैध कॉलोनी विकसित करने जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि साइड में खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, फरवरी का महीना है, और ये चारों तरफ देखेंगे दाएं और बाएं बाजू में भी, यहाँ भी खेत में देखिए गेहूं की फसल पकने को जा रही है। लेकिन
यानी कि आप ये जो खाली जगह देखेंगे जिस पर मिट्टी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, यानी कि ये जगह कई महीनों से पहले इन्होंने खाली छोड़ दी थी। यानी कि इस बार जिसकी भी ये ज़मीन है, जिस किसान की या किसी ने जिसने भी मोल ली होगी, यहाँ पे उसने इस बार फसल नहीं उगाई। इरादा साफ़ है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह अवैध विकसित कॉलोनी की जा सके। अच्छा, आप हमारे इस साइड और देख लीजिए, ये पीछे का एक हॉर्सी नज़र आपको दिखा रहा है। ये बिल्कुल नगला गाँव के बिल्कुल बस स्टैंड से यानी कि पहले का दृश्य है। आप देखिए, इस साइड देखेंगे तो कई पुरानी कोठियाँ जो मकान बने हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं, और इधर देखिए अब ये नई जो है यहाँ मकान हो रहा है। नींवें आप देखो कि किस तरह से नींवें उठाई जा रही हैं। रेत वहाँ पड़ा है, ईंटें वहाँ पड़ी हैं, और कुछ मकान जो है सड़क से सड़क के पास पहले ही बनाए जा चुके हैं, और अब उसके पीछे जो है ना फिर से यानी कि प्लाट बेच के जिन लोगों ने प्लाट को ख़रीदा वो अब अपने मकान बनाने जा रहे हैं। यानी कि जिला योजनाकार विभाग को शायद इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन हम सरकार और विभाग को ये बताना चाहेंगे कि आपकी अनुमति के बिना ही, यानी कि आपकी इजाज़त लिए बगैर, यानी कि आपके विभाग से एनओसी लिए बगैर यहाँ कॉलोनी विकसित की जा रही है गांवों में, वो भी चोरी छिपे, ताकि अधिकारियों की नज़र बिल्कुल ना पड़े। और इस तरह से सरकार के राजस्व पर तो चूना लग ही रहा है, लेकिन जो बार बार विभाग कहता रहता है कि आप अनधिकृत कॉलोनियों में प्लाट ना खरीदें, मकान ना बनाएं, वरना आपके मकान गिर सकते हैं। आपको हमने कई खबरें पहले भी दिखाई कि जो कई बार मकान गिराए जा चुके हैं, दुकानें तक सील की जा चुकी है, मकान भी सील हुए, लेकिन विभाग की भी इस कार्रवाई का कोई मतलब जो असर पड़ता है वो दिखाई नहीं दे रहा। सामने आप देखिए, ये जो नगला से जो सड़क जा रही है वो सीधे करनाल की तरफ जा रही है, उधर सामने एक बड़ा शेलर दिखाई दे रहा है, लेकिन बीचों बीच यानी कि सड़क के ऊपर आप सोचिए कि इतना, ये जो रोड है ये मेरठ की तरफ जा रहा है, यूपी की तरफ, और सड़क के ऊपर जो है कॉलोनी विकसित की जा रही है, यानी कि कितने महंगे दामों में ये प्लाट बेचे गए होंगे। और अब जो है जिन्होंने प्लाट लिए वो यहाँ मकान बनाकर रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं विभाग की आँखों में धूल झोंकने का काम भी किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमने पिछले दिनों जिला योजनाकार जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं, हमने उनका एक इंटरव्यू लिया था। हमारी समाचार एक्सप्रेस की टीम उनके कार्यालय में पहुंची तो उन्होंने बताया कि 50-60 कॉलोनियाँ ऐसी जो है चयनित की जा चुकी हैं जो पूर्ण रूप से अवैध हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो चयनित हुई हैं तो उन्हें विकसित क्यों होने दिया जा रहा है? अब विभाग की बात करें तो विभाग लगता है कि कहीं ना कहीं एक ढाबे की कार्रवाई पे उलझा हुआ लगता है। पिछले दिनों एक विवादित ढाबे को लेकर, ढाबा गिराए जाने को लेकर विभाग लोगों के निशाने पर आ गया, उस पर कई तरह के टिप्पणियां भी की गई, कई तरह के समाचार भी प्रकाशित हुए, बावजूद उसके कि विभाग जो है इन कॉलोनियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, इससे एक बात मैं आपको और भी साफ कर दूं कि जब ऐसी कॉलोनियां विकसित होती हैं तो लोगों को गुमराह करके जो ज़मीन लेने वाले हैं, जो कॉलोनी काटते हैं, वो प्लाट लोगों को बेच देते हैं, तरह तरह के प्रलोभन और लालच दिए जाते हैं, उसके बाद ये विकसित कर दी जाती है। हालांकि जो प्राइवेट कॉलोनाइजर जो होते हैं वो हालांकि ये बार बार दावा करते रहते हैं कि हम यहाँ सड़कें भी बनवाएंगे, हम यहाँ सीवरेज भी डलवाएंगे, यहाँ बिजली के खंभे भी डलवाएंगे, लेकिन एक बात आप फिर से मैं आप कैमरामैन सनी चौधरी को जरूर कहूँगा कि वो उस कॉलोनी की तरफ जो विकसित होने जा रही है, यानी कि जो अवैध रूप से बनाई जा रही है, वहाँ देखिए अभी तक बिजली के खंभे तो अभी लगे नहीं बीच में, लेकिन साइडों में बिजली के पोल जरूर लगे हुए हैं, बिजली की तारें नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब रजिस्ट्रियाँ जब ये होंगी उसके बाद जो है ना यहाँ बिजली विभाग वो जो रजिस्ट्री देख के शायद वो बिजली के खंभे भी लगा देगा और मीटर भी लगा देगा, उसके बाद यहाँ लोगों के घरों में बिजली पहुंच जाएगी। और फिर पानी की, गांवों में आमतौर पे क्या होता है कि पानी के लिए लोग जो पेयजल जो सप्लाई है जो सरकार की है उस पे कम भरोसा करते हैं, क्योंकि गांव में थोड़ी बहुत ही बनी बनाई होती है, आसपास के माहौल को देख के संपर्क करके थोड़ा सा दबाव डाल के
तो सरकारी पेयजल भी पहुंच जाता है, लेकिन जो ग्रामीण होते हैं वो ज़्यादातर अभी भी गांवों के अंदर नलके लगाए जाते हैं, घरों के अंदर समर्सिबल लग जाते हैं चुपचाप, और लोगों को सरकार को या गांव की पंचायत को पता तक नहीं लगता, क्योंकि यहां छोटा सा कस्बा होता है, गांव होता है, इसलिए लोग नहीं समझते, सरपंच भी नहीं समझता, और जो अधिकारी होते हैं जो निचले लेवल तक के, वो भी नहीं चाहते कि किस तरह के लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अक्सर दबाव बन जाता है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे जो है ना कॉलोनियाँ जो है विकसित जाती हैं। फिर जब विभाग के अधिकारी, सबसे बड़ी मैं लापरवाही विभाग के अधिकारियों की जरूर ये बताऊंगा कि जब ये लोग प्लाट खरीद लेंगे, मकान जब बन जाएगा, फिर जो है ना विभाग जो है इन्हें तोड़ने पहुंच जाएगा, फिर इससे लोगों को नुकसान होता है। अच्छा तो यही होता है कि विभाग जो है पहले अपना कार्रवाई करे, ऐसी कॉलोनियों को विकसित ना होने दें। बार बार विभाग ये सचेत करता है लोगों को कि आप अनधिकृत कॉलोनियों में मकान ना लें, लेकिन जब गांवों में इस तरह की कॉलोनियां पनपती हैं, जब अवैध रूप से विकसित होती हैं, तो गांव वाले भी, क्योंकि शहरों की बजाय गांव में जो ज़मीन के जो रेट हैं, दाम होते हैं, वो बहुत कम होते हैं, तो लोग समझते हैं कि रोड पर अगर कॉलोनी कोई विकसित हो रही है तो इसका आने वाले दिनों में हमारा फ़ायदा हो सकता है, आसपास कोई दुकान भी खोली जा सकती है मकान के बीच में, तो इस तरह से धीरे धीरे ये कॉलोनियाँ विकसित हो जाती हैं। तो हमारा सवाल सरकार से यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपसे करनाल में ही अभी ये अवैध जो कॉलोनियाँ अनाधिकृत कॉलोनियाँ नहीं संभल पा रही हैं, तो ये गाँव में जब ये प्रचलन शुरू हो जाएगा तो विभाग किस तरह इन पर रोक लगाएगा, ये हमारी भी समझ से परे की बात है। तो हम विभाग से भी, सरकार से भी चाहेंगे कि इस तरह की अवैध कॉलोनियों को बिल्कुल ना पनपने, खास तौर पर हम ग्रामीणों से भी और शहर के लोगों से भी यह उन्हें जागरूक जरूर करेंगे कि आप इस तरह की अनधिकृत कॉलोनियों में मकान बिल्कुल ना लें, प्लाट ना लें, अपनी मेहनत की जमा जो पूंजी है, आपने जो जमा पूंजी की, जो पूंजी कमाई आपने दिन रात मेहनत करके, उसको इस तरह से मकानों में ना लगाएं। हो सकता है कल को जिला योजनाकार विभाग की टीम पुलिस के साथ यहां पहुंच जाए और पीला पंजा आपके मकानों को देश नेस्तनाबूद कर दे। मैं हरीश चावला, MD अनिल कुमार लांबा के साथ कैमरामैन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, नगला फार्म, जिला करनाल। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपको दिखाया कि किस तरह से कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। लोग अवैध रूप से मकान भी बना रहे हैं और दुकानें भी। यदि यह खेल अधिकारियों की नाक के तले खेला जा रहा है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को स्वयं संज्ञान में लेकर कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं कई बार दोहरा कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अवैध कॉलोनियां नहीं पनपने दी जाएगी। अब हम जिला योजनाकार विभाग से सवाल कर रहे हैं कि क्या विभाग इस पर कोई कार्यवाही करेगा या हमेशा की तरह मौन बनकर इस अवैध कॉलोनियों को पनपने देगा। सवाल यह भी कि आखिर इतनी तेजी से यह अवैध कॉलोनियां पनप कैसे रही हैं? जब GT रोड के किनारे लगते अवैध ढाबों को विभाग गिराने में लगा हुआ है, तो फिर UP रोड पर पनप रही अवैध कॉलोनियां विभाग की नजर से दूर कैसे है? आखिर कब तक अवैध कॉलोनियां पनपती रहेंगी? इसका जवाब अब जिला प्रशासन को देना होगा। यदि आपके आसपास भी ऐसी अवैध कॉलोनियां पनप रही है तो आप समाचार एक्सप्रेस को इसकी सूचना दे सकते हैं। आपकी सूचना मिलते ही समाचार एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर आकर खबर कवर करेगा, क्योंकि अवैध कॉलोनाइजर लोगों को बहका कर प्लाट तो बेच देते हैं, लेकिन अंत में नुकसान आम आदमी को ही होता है। तो बने रहिएगा समाचार एक्सप्रेस पर हमारे साथ और खबरों को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसे लगातार शेयर भी जरूर करें, क्योंकि हम खबर छिपाते नहीं, दिखाते हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।